हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सी टेक फर्नीचर। सो गाइज, आई लाए हैं आपके लिए एक और नया यूनिक वीडियो। जो भी हमारे नए कारपेंटर भाई हैं जो इस लाइन में काम कर रहे हैं, हालांकि काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस काम को सही तरीके से जान के करना वो बड़ी बात होती है। तो आज हम बात करेंगे जो रंधे होती है हाथ चलाने वाली, उसकी कुछ सीक्रेट जानकारियाँ जो कि बहुत ही आपके लिए उपयोगी होने वाली है। आज हम बात करेंगे रंधे के बारे में। जब भी हमें लकड़ी होती है रंधा मारना होता है, जब रंधा मारा जाता है ऐसा होता है, कभी लकड़ी उल्टी रेसे की होती है, कभी सीधी रेसे की होती है। एक ही लकड़ी में इस तरह से उल्टा, इस तरह से सीधा होता है। तो सीधी वाली में तो आसानी से चिकना हो जाता है, लेकिन जब उल्टी होती है तो वहाँ पर लकड़ी हमारी उजड़ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर जो टेक्निक है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं रंधे को धार निकालता हूँ, क्योंकि इसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक कवर है इसका, ये धार है इसका। तो आपको करना क्या है, ये धार से कवर हमारी जितने पीछे रहेगी लकड़ी हमारा उतने ही उजड़ने के चांस ज़्यादा रहेगा, और कवर हमारा जितने आगे रहेगा, लगभग समझ लीजिए 1 mm से भी कम, यानी आधा mm होना चाहिए, यानी जितना कम से कम रहेगा उतनी हमारी लकड़ी उजड़ने का चांस। देखिए वीडियो में ये लकड़ी उजड़ने का चांस भी कम रहेगा, बिल्कुल बाल बराबर होनी चाहिए, जिससे आपका लकड़ी धार थोड़ी सी निकली रहे बस। ये जितना आगे रहेगा लकड़ी हमारी उजड़ेगी नहीं, लेकिन ध्यान देना है ये धार ज़्यादा मतलब निकालना नहीं है, इस तरह से आपको उतने निकाले कि रंधा जंप नहीं करे, बस थोड़ी धार निकाले जितना कि चलने लायक हो। उस हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं और रंधे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कोई भी लकड़ी हो, कितना भी गांठ की लकड़ी हो, कभी नहीं उजड़ेगी। उजड़ेगी भी तो हल्की फुल्की उजड़ेगी, ज़्यादा नहीं उजड़ेगी, और जितना पीछे कवर रहेगा उतना ही उजड़ने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो समय में आई होगी। धन्यवाद।